अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यूनिवर्सिटी में हमारे फाइनल टर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के। बट बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि तैयारी वगैरह आपको पता है हम करते नहीं हैं यार। और लगता है जैसे इतने हार्ड टीचर्स हमें मिलने, लगता नहीं पास हो जाएंगे। बस दुआ करिएगा पेपर हमारे अच्छे हों। हाँ तो यार, अभी मैं बस से उतर गया हूँ और यूनिवर्सिटी की तरफ अभी निकल रहा हूँ। एंड रश अच्छा खासा लगा हुआ है, मुझे लेट वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन मैं जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ ना उससे आज काफ़ी ज़्यादा लेट ही पहुँचूँगा, क्योंकि आज मैं टाइम टू टाइम निकला हूँ। वरना यूनिवर्सिटी से आधा घंटा पहले ही यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता था। इधर यार ऊपर खबर हुआ हूँ फजूल, मतलब इन्होंने तीन तीन क्लासेज हमारे जो है ना पेपर रखे हैं, एक ये सामने वाली है, एक ये रही और एक नीचे। अब वो नीचे जाके सवाल होना पड़ेगा। वैसे मेरे पेपर ऊपर होते हैं बट अब नीचे जाके दो, इसमें भी नहीं है, पढ़ो बस अब सवाल हो नीचे। यार अभी बस वही पेपर की हम लोग बस तैयारी वगैरह कर रहे थे और सामने वाली हमारी क्लास है, इधर ही मतलब पेपर देना होता है। हम यूनिवर्सिटी जाती है तो मैं यहाँ से बाहर ही ना निकलूँ। हाँ तो यार पेपर मेरा हो गया है और यूनिवर्सिटी के फुटबॉल एरिया वाली साइड आया हुआ था मैं, यहाँ पर हमारा पेपर हो रहा था सामने वाली बिल्डिंग में। बस सोचो ये वाला एरिया भी आपको काफ़ी देर से दिखाया नहीं तो दिखा ही दूँ। पेपर बस सही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, पर मसला वही है ना कि करके पूरा ही आते हैं, कभी भी छोड़ के नहीं आए। बस दुआ करिएगा कि हमें अच्छे नंबर मिल जाए। A few moments later. अभी यार यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं और बस पेपर वगैरह हो गया था तो हमारे पास आज कुछ था ही नहीं करने को, तो बस इसलिए बाहर जा रहे हैं, सॉरी घर जा रहे हैं। हाँ तो अभी सेकेंड डे अभी स्टार्ट हो चुका है और आज है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर, उसकी भी कोई तैयारी शैली नहीं है अपनी यार, मतलब के पढ़ना ही नहीं है ना इस वजह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छे होते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं आप सबकी दुआओं के साथ और अपनी मेहनत के साथ। बस अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। बस से यार मैं उतर गया हूँ और यूनिवर्सिटी की तरफ जाया जा रहा है और लोगों की आम तरफ चल रही है। खैर ये से गए नब, रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, अगला सेमेस्टर हमारा इंशाल्लाह रमज़ान वाला होगा बस, और फिर हमारे चैनल को इंशाल्लाह कुछ अर्से में वन ईयर भी होने वाला है। अब यार अंदर हम लोग आ गए यूनिवर्सिटी के और ये इधर पढ़ाई चल रही है और साथ साथ क्लासरूम की तरफ जाया जा रहा है। यार यहाँ पे है हमारी जो है ना पेपर ये वाली क्लास में, बस दुआ करना अच्छा हो पेपर। यार इधर अभी हमारा पेपर हो गया और सर ने माशाल्लाह इतना अच्छा पेपर बनाया हुआ था, सर अधील खादी ऐसा पेपर नहीं बनाते बच्चे जो है ना, बहुत दिल टूट जाता है बच्चों का ऐसा पेपर देख के। खैर बस दुआ करिएगा यार। अच्छा तो यार मेन बात आप सबको मैं बताना ही भूल गया था कि आज ही वैलेंटाइन डे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, मतलब कि हमारी किस्मत ऐसी खराब है वैलेंटाइन डे वाले दिन हम आए हुए यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए। और एक और चीज़ देखो, सामने रुकी हुई है ट्रेन, चल ही नहीं रही, कोई नहीं कोई काम हो गया होगा ज़रूरी। मेरे को तो बस ये टेंशन है यार कि हम लोग वैलेंटाइन डे पर भी पेपर देने आते हैं। बस यार घर में वापसी आ गया हूँ और पेपर हमारा मेरा और बाकी सबका भी बस सही हुआ था, अभी इसके 70-80% अच्छा हो गया था सबका ही। बट सर ने पेपर थोड़ा सा जो है ना हार्ड बनाया था, डिफ़िकल्ट टाइप ना, और हमें लगा था न्यूमेरिकल्स और लिटरेसी ये सब कुछ आ जाएगा, वो सब भी आया, बट एक पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन अंदाजन मेरे ख्याल से वो सर ने थ्योरी का दिया, हम लोगों ने जैसे जैसे कर लिया। और दूसरा काम मेरा ये है कि यार आज वैलेंटाइंस डे है और हम सिंगल लोग सिंगल लोगों की कोई है नहीं जिसके साथ हम जा सकें, तो समझ रहे हो यार जो लोग कहते हैं ना कि यार तुम लोगों के तो मज़े हैं यूनिवर्सिटी में, वो तो फलाना है टिमकाना है, तो बेटा आओ यूनिवर्सिटी और देखो वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी आपको पेपर देने पड़ते हैं। हम पेपर देने जा रहे होते हैं और लोग इधर कहीं डेट पे जाते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। The next day. नेक्स्ट डे यार अभी स्टार्ट हो चुका है और मैं बैठा हुआ था पढ़ाई करने के लिए। इस सेमेस्टर का ये पहला पेपर ऐसा है जिसे मीन्स कि मैं पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स कि ये ज़्यादा हार्ड पेपर है बस, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन से पूरे ग्रुप मेंबर्स को और फ्रेंड्स वगैरह को, तो इसलिए इसमें पढ़ाई वगैरह हो रही है बालों को इग्नोर करिएगा। पर लेटा हुआ था तो मैंने सोचा भी वीडियो का
अगले दिन का स्टार्टअप करते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए बस निकल रहा हूँ। 2000 years later यार मैं अभी जो है ना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर आके बैठ गया हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा ये मेरी आँख में अब बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, पेपर दिख भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। आते ही रास्ते में था तो ख़राब हो गया, पेपर पता नहीं कैसे दूंगा मैं। आज भी आ रहा है M201 में, इस वाली क्लास में हमारी क्लास में देखो अखबार होंगे, मतलब के बस दुआ करना यार पेपर की। तो यार अभी पेपर हमारा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा हुआ है कि जितना बड़ा मिस इतना लेंथी पेपर दिया था उस हिसाब से जो है ना ये पेपर हमारा टाइम से पहले हो गया। ये पहला पेपर ऐसा यार जिसको जो है ना मेरे को जो है ना टाइम लगा, वरना मिर्चों के इसका पेपर हम मैंने हाफ आवर के अंदर अंदर कर लिया था मीन 30 मिनट्स में, और इसमें 1.5 घंटा लगा, समझ लो किस हिसाब से लेंथी होगा। बस अभी हम लोग देखते हैं भी क्या करना है। और ये लास्ट पेपर था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड सेमेस्टर, मतलब ये वाला सेमेस्टर यहाँ पे इख्तिताम होता है। अभी यार हम लोग बाहर आ गए हैं और अरीबा का भी वेट कर रहे हैं, इतना कर दिए पेपर इतना कर दिए और इतनी मतलब वेली और फ्री का टाइम, उसके बाद पहले पेंसिल से लिख रही है फिर पेन से लिख रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और रात में हमारी यूनिवर्सिटी देखो, मतलब ये तो देखते रहते हो यार आप लोग बस ये, लेकिन ये फैन बॉल कभी नहीं हटेगा, इनको बहुत प्यार आ गया इसके ऊपर जब से हबीब के ब्लॉग्स लिखा गया। देखो यार ये कितने बदतमीज लोग हैं, ये खुद चले गए सामने कैंटीन में खाने पीने के लिए और मेरे पे इन्होंने कुली रख ली है। हमारे बैग लेके आ जाओ, बैग ज़रूरी है, देखो ज़रा मीन्स के कुछ भी। यार अभी हम लोगों ने सामने वाले दे दिया, हमारा प्लान कुछ और था कि हम लोग बाहर जाके खाएंगे यूनिवर्सिटी से, बट अरीबा साहिब अभी तक पेपर ही कर रही हैं तो हमने फिर डिसाइड किया कि यहीं बैठ के अभी हम लोग यहाँ पर खाएँगे। इतने अच्छे मेरे प्लान सारे कैंसिल हो गए, बेगैरत लोगों से मेरा पाला पड़े। अच्छा तो अभी ना हमारा ये खाना आ गया है, सामने है हमारी चाउमीन और एक हमने क्लब सैंडविच मंगवाया है और स्टिंग, लेकिन जिसके इंतज़ार में हम लोग बैठे हैं वो बंदी नहीं आ रही, वो सामने बैठेगी, वो कह रही है मैं पेपर पूरा करूँगी टाइम से, एक मिनट पहले भी नहीं निकलूँगी वरना गुनाह हो जाएगा। इधर यार ये बंदी आ गई है, मेरे को एक बात बता, अरीबा खड़ी रही यहीं में, किधर दी तू पेपर? मीन्स के इतना बड़ा पेपर था यार, मतलब हमें पता है लेंथी पेपर था बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पेंसिल से लिखे फिर पेन से लिखे फिर पेंसिल से लिखे फिर पेन से लिखे। पता है मुझे ना सोचने में बहुत मसला होता है, सभी मुझे लेट हो जाते हैं, मैं जा रही हूं खाने के लिए। घर में वापसी आ गया था, इस व्लॉग को यार करते हैं लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, घर में आ गया था इस व्लॉग को यार यहीं पेंट करते हैं लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को पहले कीजिएगा और बन रहेगा ऐसे वीडियोज में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पर हमारा जो है ना एक और सेमेस्टर एंड हो गया।